एक दिन फेसबुक चला रही थी मैं, और फेसबुक में एक हकीकत घटना एक गांव की लिखी हुई थी। क्या घटना थी? एक पेड़ की फोटो आया था उसमें, और एक पेड़ की फोटो में क्या फला हुआ था? आम नहीं फला था, लीची नहीं फला था। वो पेड़ आपके यहाँ भी हो सकता है। वो आदमी खेत जा रहा था, खेत जाते जाते रास्ते में उसका एक चप्पल टूट गया। बेचारा गरीब किसान मजदूर आदमी सोचा कि एक चप्पल टूट गया है तो कोई काम का नहीं, पर एक चप्पल से चला भी तो नहीं जाता, पैर में दोनों चप्पल हो तभी चलते बनेगा। तो एक चप्पल को सोचा कि हम रख लेते हैं, टूटा चप्पल फेंक देते। गरीब आदमी कभी दोनों चप्पल नहीं फेंकेगा, अगर टूट जाएगा एक चप्पल तो एक को संभाल के रखता है कि इसका जोड़ा कोई टूटा वाला मिल जाएगा तो फिर हम इसको यूज कर लेंगे। उसने सोचा अगर रखेंगे तो शायद गुम जाए या कोई उठा के ले जाए, क्योंकि गरीबों के लिए वो एक चप्पल भी कीमती होता है। उसने सोचा क्यों ना इसको एक पेड़ में बांध देते हैं, जब खेत से वापिस होंगे तो लेते जाएंगे घर, घूमेगा भी नहीं और दूर से झलक जाएगा, दिख जाएगा तो भूलेंगे भी नहीं। दो हाथ की रस्सी निकाला और दो हाथ की रस्सी निकाल के एक पेड़ में सड़क के किनारे में ही चप्पल बांधने लगा। और चप्पल बांध रहा था तभी उसी गांव का दूसरा किसान खेत जाने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था, थोड़ी दूर था 10 कदम में। और चप्पल बांधते हुए इसको पेड़ में देखा तो दूसरा किसान सोच रहा है कि आज शनिवार है और हमारे गांव का फलाना आदमी चप्पल बांध रहा, जरूर कोई टोटका कर रहा है। और इस टोटका करने से, पूजा करने से लगता मकई की फसल बढ़िया होती है, गेहूं की फसल अच्छी होती होगी, जरूर ये कोई बढ़िया पूजा कर रहा है। और ये चप्पल बांध के जब अपना रास्ता पकड़ा तब तक वो पीछे वाला आदमी पेड़ तक आया तो देखता एक चप्पल लटका है। उसने कहा हमारे पास कौन कमी, हम भी अपना एक चप्पल बांध देते, हम भी पूजा कर देते। और रास्ता तो था खेत जाने का, जितना भी मजदूर किसान उस रास्ते से गुजरता देखता है कि पेड़ में चप्पल लटक रहा है तो सब अपना एक एक चप्पल जूता लटकाने लगा। और देखते देखते एक महीना में चप्पल जूता बांधने की जगह नहीं बची, इतना चप्पल जूता लटक गया। ये आज हमारी माता बहनें ऐसे ही भक्ति करती, चप्पल जूता वाली। एक को देखी धागा लेके जाते बर के पास तो सारी धागा लेके पहुंच गई, एक को देखी सूपा डलिया लेके जा रही घाट में तो सारी डलिया लेके। भगवान राम ने कहा था कभी, भगवान कृष्ण ने कहा था कभी, बुद्ध महावीर ने कहा था कभी, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कभी, महर्षि मही बाबा ने कहा कभी। हम दीक्षा ले लिए जरूर, लेकिन शिक्षा आज भी हमारे अंदर में अज्ञानता की चल रही, अंधविश्वास की चल रही, रूढ़िवादी की चल रही। दीक्षा लिए संत मत में, दीक्षा लिए कबीर मत में, दीक्षा लिए रामानंद मन में, लेकिन राम की नहीं मानते हम। राम को तो बहुत मानते हैं, रोज राम को प्रणाम करेंगे, राम की आरती उतारेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, लेकिन राम क्या कह रहे उसको नहीं मानेंगे। राम कह रहे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, पर हम संत की संगति नहीं करते। अगर आप नवधा भक्ति का ज्ञान हो जाए आपको तो आप 10वीं 11वीं 12वीं की जरूरत नहीं है, पर आज माताएं नवधा को छोड़कर 10वीं 11वीं 12वीं भक्ति कर रही है। मुक्ति कहां से होगी? पहली बात तो गुरु ही नहीं किए, बिना गुरु के कभी भक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, भटकाने वाली होगी। आप जीवन भर केला पीपल नीम ये सब पूछते रहिएगा, कभी घाट में कभी पत्थर में कभी पानी में, इसी में भगवान को ढूंढिएगा। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है, राम आपके अंदर है। कहते घट घट में राम है, घट घट में भगवान है, पर बाहर क्यों ढूंढते हैं? अज्ञानता के कारण, अभी तक हमको ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए संत कहते हैं कि भक्ति नसेनी मुक्ति की, संत चढ़ी सब धाए, जिन जिन मन आलस किए जन्म जन्म पछताए। भक्ति तो सबरी ने किया था, भक्ति तो मीरा ने किया था, भक्ति तो संत कबीर ने किया था, भक्ति तो महर्षि मही बाबा ने किया था, भक्ति तो गुरु नानक ने किया था, भक्ति तो बुद्ध महावीर ने किया था। ये असली भक्ति किए थे हम लोगों के, जैसे नकली भक्ति नहीं किया था। जैसे हम लोग नकली भक्ति करते ना, दिखाने वाली भक्ति, खिलाने वाली भक्ति नहीं,
दिखाने वाले की, भगवान देख लीजिए सूपो डलिया भर के लाए हैं, खाली देखिए खाइए बस मत। अगर कहीं भगवान खाने लगे, एक उदाहरण, भगवान कहीं खाने लगे तो कोई इतना चढ़ाएगा नहीं, नहीं खाते इसलिए इतना खाते, इतना चढ़ाते हैं। खाने वाले से छुपाते, नहीं खाने वाले को दिखाते हैं, ये भक्ति नहीं है। हमारे भूमि बाबू हैं जिन्होंने कार्यक्रम, मुख्य आयोजक उनके सहयोग जन सब लोग हैं इस गांव के समस्त नर नारी, लेकिन मुख्य हमको जब फोन किए उन्होंने यूट्यूब से प्रवचन देख के, तो जब कल आ रहे थे उन्होंने कहा साध्वी जी आज लोगों को सत्य ज्ञान की जरूरत है, आज लोग अंधविश्वास रूढ़िवादी आडंबर और पाखंड में फंसा हुआ है। हमने कहा भाई जी सही तो बात है लेकिन सच बोलते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा सच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आए, सच बात कहो तो बुरा लगता है। कहा कोई बात नहीं सच बोलिएगा, बुरा लगे तो लगे। हमने कहा भाई जी आप कौन प्रवचन मोबाइल में देखे थे तो ये कार्यक्रम लिया, तो उन्होंने कहा साहब जी वो पोआ वाला कहानी बोल दीजिएगा।